बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर टू वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, लेक्चर नंबर 7, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारा टॉपिक है। इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेक्टर एडिशन देखी, किस तरह से हम कंपोनेंट्स के जरिए हम एडिशन करते हैं वेक्टर्स की। तो आज हमने उस लेक्चर को कंटिन्यू रखना है और ये बताना है कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। बेसिकली जहां पे हमारा रिजल्टेंट लाई करेगा वो हमने देखना है कि हमारे पास रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा और उसकी सिचुएशन क्या होगी, थीटा क्या होगा, फाई क्या होगा। तो हम सबसे पहले थीटा और फाई में फर्क देख लेते हैं। थीटा और फाई क्या होता है? थीटा हमारे पास वो एंगल है जो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, और जो फाई होगा वो वाला एंगल होगा जो हर क्वाड्रेंट से हमारे पास एंगल बना रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो फाई है विद रिस्पेक्ट टू दैट क्वाड्रेंट। ये उस क्वाड्रेंट से ही रिजल्टेंट होगा। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं सिचुएशन। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहां पे रिजल्टेंट आर। अब आप एक चीज देखें कि अगर इसका हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो आर एक्स भी पॉजिटिव है और आर वाई भी पॉजिटिव है, और ये हमारे पास एंगल थीटा बन रहा है। अब ये अगर एंगल थीटा बन रहा है, ये अगर एंगल थीटा बन रहा है, तो हमने यही कहा है कि थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है और जो फाई है विद रिस्पेक्ट टू दैट क्वाड्रेंट। इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, जो थीटा होगा वही फाई होगा, क्योंकि फाई उस क्वाड्रेंट से बनता है, थीटा है ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो थीटा और फाई दोनों ही इस वक्त पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होंगे। तो हमने लिखा आर एक्स पॉजिटिव, आर वाई पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की निशानी है। एंगल हमारे पास फाई इस तरह से होगा और थीटा इज इक्वल टू फाई आ जाएगा। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हैं। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो रिजल्टेंट जो हमारे पास लाए करेगा वो इस क्वाड्रेंट में लाए करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब थीटा हमारे पास क्या होगा, जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास आ गया थीटा, ये हमारे पास क्या आ गया थीटा। अब फाई हम कैसे निकालेंगे? फाई हमारे पास उस क्वाड्रेंट से रिजल्टेंट है, तो ये फाई जो है हमारे पास वो ये वाला एंगल आ जाएगा, ये फाई आ गया। अब आप एक चीज देखें, थीटा हमने निकालना है, थीटा हम कैसे निकालेंगे, थीटा और फाई के दरमियान क्या रिलेशन होगा। अगर आप ये देखें, ये वाली जो पूरी लाइन है यहां से लेके यहां तक जो एंगल है वो 180 डिग्री है, और अगर 180 में से फाई निकाल दें तो आपके पास ये थीटा आ जाएगा। 180, ये टोटल कितना है, 180 आपके पास है। जब 180 माइनस फाई करेंगे तो आपके पास ये थीटा आ जाएगा, यही हमने लिखा है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाई। तो यहां पे आर एक्स देखें, आर एक्स क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव, आर एक्स नेगेटिव होगा और आर वाई क्या होगा, पॉजिटिव। तो यही यहां पे भी यही लिखा है, आर एक्स इज नेगेटिव, आर वाई इज पॉजिटिव, और ये किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इसका जो रिलेशन होगा वो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाई होगा। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम, तो रिजल्टेंट इस जगह लाए करेगा। अब यहां पे आप देखें कि जो थीटा फाई है, फाई हमारे पास ये वाला एंगल है उस क्वाड्रेंट से, और जो थीटा है वो कौन सा एंगल है हमारे पास, जो थीटा है वो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्टार्ट होके वो यहां तक जाएगा थीटा। अब आप एक चीज देखें कि थीटा और फाई में क्या रिलेशन है, यहां तक टोटल 180 डिग्री था, उसमें ये फाई ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा। तो यही मैंने लिखा है, 180 प्लस फाई आ गया, तो ये एंगल आपके पास क्या आ गया, थीटा आ जाएगा, थीटा और फाई में रिलेशन आ जाएगा। अब यहां पर यह चीज देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में आर एक्स भी नेगेटिव है और आर वाई भी नेगेटिव है, तो आर एक्स भी नेगेटिव, आर वाई भी नेगेटिव, और हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 5 डिग्री आ जाएगा। लास्ट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो
तो हमारे पास क्या होगा, अब यहां पे देखें, यहां पे आर एक्स पॉजिटिव हो गया, आर वाई नेगेटिव हो जाएगा, आर एक्स पॉजिटिव और आर वाई क्या होगा, नेगेटिव। जब आर वाई नेगेटिव होगा तो अब हम फाई और थीटा के दरमियान रिलेशन निकालते हैं, ये जो एंगल होगा ये फाई आ गया, और जो थीटा है वो हमारे पास क्या होगा। अब यहां पे देखें, टोटल जब साइकिल कंप्लीट करते हैं तो 360 डिग्री आएगा, जब 360 डिग्री होगा तो 360 माइनस फाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो यही हमने किया, 360 डिग्री माइनस फाई। अब हम एक लास्ट में बात देखते हैं, फाई फाई हम लिख रहे हैं ये रिजल्टेंट में एंगल में, तो हमने एक चीज नोट करनी है कि जब भी हम थीटा या फाई निकालेंगे तो जो अगर फाई निकालना है, फाई का जो रिजल्टेंट एंगल निकालना है, आप देखें इसमें मैंने कोई भी साइन मेंशन नहीं किए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इसमें नहीं लाने हमने, ये विदाउट एनी साइन हमने रिजल्टेंट ले लेना है। लेकिन जब हमने थीटा एंगल निकालना है, देखना है फिर किस क्वाड्रेंट में होगा, तो जब जाके हम क्या करेंगे, हम रिलेशन यूज करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव लाने के लिए। लेट्स सपोज, एक एग्जांपल देता हूं, हमारे पास a इज इक्वल टू 4i माइनस 3j है। अगर आपसे वो कहता है फाई निकालना है, तो फाई आप कैसे निकालोगे, टेन इनवर्स 3/4 करके। आपके पास फाई इज इक्वल टेन इनवर्स 3/4, हमने साइन मद्देनजर नहीं रखे, लेकिन जैसे ही आप थीटा निकालोगे तो आप देखो थीटा ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव और जो वाई क्वाड्रेंट है वो नेगेटिव है, वो किस में है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो ये किस में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो ये रिलेशन कौन सा यूज करेंगे थीटा निकालने के लिए, 360 डिग्री माइनस फाई। तो यहां पे आपका लेक्चर आज का कंक्लूड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम बहुत अहम टॉपिक डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।